हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग बुंडू का जितना भी सारा जगह है जो जो मेन मेन तो वो सब दिखाएंगे। तो हम लोग के साथ आए संजय और संदीप। तो ये पहले नहीं आए हम लोग के ब्लॉग में, आज फर्स्ट टाइम है। तो चलिए आज का ब्लॉग संजय करेगा, इसलिए इसको सारा स्टेप दे दिए हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहे, चलिए चलते हैं। चलिए तो गाइस अभी हम लोग बुंडू ओवरब्रिज के ऊपर में चढ़ने वाले हैं और ऊपर से कुछ पिक दिखाएंगे बुंडू मार्केट। और ये सीन जो देख रहे हैं ओवरब्रिज के ऊपर से दिख रहा है बुंडू का, और ये रोड जो है ये बुंडू अंदर जाता है, जो क्या बोलते हैं बुंडू का मेन रोड भी इसी से मिला हुआ है, और बुंडू थाना भी इसी से रूट से जाता है, अनुमण अस्पताल भी इसी रूट से जाता है, बस इधर बायां मोड़ना पड़ता है। ये बुंडू बाज़ार जो भ्रमण में स्थित है, और ये है इस मंदिर कृष्णा मंदिर। इस बाज़ार को उसे मौसीबाड़ी के नाम से भी जानते हैं बुंडू में, और मतलब कोई बात नहीं। और इस रोड में जाइएगा तो सीधे ये लग जाएगा सोनातुरा है, जो बिस्का टोली कहाँ बोला जाता है, मतलब बिस्का टोली बोला जाता है इस एरिया को, इस रोड को। अब हम लोग को बुंडू अंदर का ब्लॉग रहेगा, देखते हैं किधर किधर घूमते हैं। तो गाइस अभी हम लोग है ओवर ब्रिज के ऊपर में, तो अभी हम लोग बुंडू के अंदर जाएंगे और अंदर का कुछ दिखाएंगे। रोड रोड में जाएंगे सीधे, जो जो मिलता जाएगा सारा कुछ संजय आज बताता जाएगा। आज कैसा बता रहे थोड़ा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो पर बने रहे। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के नीचे नहीं दिखेगा, ऊपर से ऊपर से जाने। तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं मैनेजर तालाब, इधर तो मैनेजर तालाब जब तालाब जाता है, और हम लोग जा रहे हैं इधर। इस रूट को क्या रूट बोलते हैं, प्रेम गली। इस रूट से आप लोग सुभाष चौक भी निकल सकते हैं। गाड़ी पहुंच चुके हैं बुंडू गैस एजेंसी, जो है यहाँ पे इंडियन गैस का ब्रांच है, मेन ब्रांच, और हम धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं महावीर मंदिर। महावीर मंदिर गली रोड पार हो गए। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सुभाष चौक। अरे ठीक से चला, सुभाष चौक पहुंच चुके हैं। ये चांसी दवाखाना, इसके सामने केनरा बैंक है। कपड़ा तो बाहर में बहुत अच्छा सा। ये हम लोग का दो बकरी, अभी हम लोग देव मार्केट पहुँच चुके हैं, और ये आनंद बाज़ार, आनंद बाज़ार पार हो गए। बुंडू का सबसे बड़ा हनुमान मतलब बजरंग बली का स्टेचू, जो इसके सामने लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर दुर्गा पूजा में दुर्गा पंडाल भी बनाया जाता है, और सामने यहाँ पे देखिए शिव शंकर का मतलब ईद है, और ये देखिए हम लोग का बजरंग बली सबसे बड़ा बुंडू का।
और ये बुंडू मार्केट लगता है, बाजार लगता है बुंडू का। और इसके बगल में ये बड़ा तालाब है क्या? और इसके पीछे, मतलब इसके पीछे में बड़ा तालाब है जो आगे दिखाएंगे, जो आगे वहीं जा रहे हैं और दिखाएंगे आप लोग को। ये पानी कितना है और हाँ ये देखिए, हम लोग पहुँच गए पुराना गर्ल्स गर्ल्स हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल पुराना था। अभी शायद ये बच्चा तो क्या ब्लॉक 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 कर दिया है महिला कॉलेज का। अरे बात लगता है तो गाइस हम लोग पहुंच गए बुंडू बड़ा तालाब, जहाँ पे मछली का पालन का कुछ शायद बनाया गया है कि क्या, हम लोग को पता नहीं ऐसे कुछ खास। बहुत ही बड़ा तालाब है वैसे तो, बुंडू का सबसे बड़ा तालाब है। और ये देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क भी बनाया गया था, अभी चालू नहीं है शायद। तो गाइस चिल्ड्रन पार्क चालू है नहीं है, सब बंद है यहाँ, कुछ नहीं है। बंद है पार्क, अंदर में कुछ नहीं, सब बहुत से मुर्गी भी है, मुर्गा मुर्गी भी है। और देखिए हम लोग के साथ आया हुआ है यूट्यूबर साहब, बैठ दिए हैं सब कम हमको। आज तुम्हें ब्लॉग करो सारा जितना ब्लॉग है। हाँ हाँ ट्रेनिंग नहीं है सही से मेरा, हम गलत भी कर सकते हैं। हम लोग कौन सा यहाँ सीखे हुआ? और देखिए बाल कटाया है, क्या लग रहा है अभी? देखो पानी का 20% ही गाँव का है। तब कैसा लग रहा है तालाब में आके? बेकार घटिया। हम लोग काम से आए थे इसीलिए। क्या काम से आए थे? क्या काम से आए थे वो बता नहीं सकते, वो रिवील नहीं होगा। काय नहीं होगा, जमीन बेचने आए थे, कॉलेज में फीस देना है। क्या बोला तूने? तो गाइस यही ब्लॉग एंड करने का ऐसे हम लोग का प्लान बन रहा था, लेकिन बीच में ही रानीचुआ है, जो कि कोई भी वीडियो हम लोग मतलब दिखाए नहीं है रानीचुआ। ऐसे भी ये ब्लॉग मतलब बुंडू का हो रहा है, तो फुल जगह दिखा रहे हैं तो बुंडू का, तो वो कौन सा बाकी रहेगा। चलिए वहाँ भी दिखाते हैं आप लोगों, चलिए वीडियो पर बने रहे। तो चलिए आप वीडियो पर बने रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं आगे। तो गाइस रानीचुआ जाने के लिए बड़ा तालाब का नीचे एक रूट है जिससे हाई स्कूल भी जाता है, और उधर मतलब बहुत गाँव है उधर से, बारवातू गाँव हो गया और सार्वजमंडी उधर आगे जाता है जब KMP पिच मिलता है। तो अभी हम लोग जाएंगे रानीचुआ, उसके हम लोग आगे से बायां मोड़ना पड़ेगा। तो ये गाइस साउथपुर स्कूल जो नया बना है, पहले तो बुंडू अंदर में था, अभी इधर बाहर कर दिया है और नया बना है। यहाँ से फुटेज नहीं आ रहा सही। ये देखिए यहाँ पे भी स्कूल है, स्कूल का नाम तो पता नहीं चल रहा क्या है, स्कूल मिट गया है ना, रानीचुआ में है। बहुत लोग यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं, इधर की साइड के बहुत ही लोग आते हैं। और हमारे यूट्यूबर यहाँ पे पता नहीं क्या क्या नौटंकी कर रहे हैं, हमको तो कैमरा पकड़ा दिया है, तो उसका क्या क्या नौटंकी चालू है। तो गाइस हम लोग का फ्रेंड क्या देखा है, चलते हैं वहाँ पे क्या है? निकला नजर आया था उसको, इधर भाग गया। देखिए
तो गाइस अभी हम लोग आए थे रानीचुआ जो कि छोटा छोटा स्विमिंग पूल जैसा करके बना हुआ है और यहाँ पर कभी भी पानी नहीं सूखता है, इसीलिए यहाँ इसका खासियत है। और चारों तरफ मतलब छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और अभी देख सकते हो वहाँ पर कुछ लोग नहा भी रहे हैं। तो वहाँ नहा रहे तो हम लोग क्या ब्लॉग करें, कुछ ब्लॉग कर ही नहीं सकते और कुछ दिखा भी नहीं सकते उसमें होते तो दूर से अपनी देर से कुछ इस से। और मतलब दिखाने का बुंडो में बहुत कुछ था, जैसे कि रक्की हॉल वाला रोड था, सिनेमा रोड, वो थाना वाला रोड था वो भी छूट गया। तो हम लोग जितना मतलब जिधर से हम लोग काम थे उधर से आए थे, इसलिए उतना ज़्यादा ब्लॉग बनाने नहीं सके। तो ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। और हम लोग मंदिर का परिक्रमा कर रहे हैं गाड़ी पे, आने पैदल कर गाड़ी पे जा रहे हैं। मंदिर का भी अच्छा है और यहाँ ऊपर में पानी टंकी भी लगा हुआ है सामने, पेड़ का लुकिंग बहुत अच्छा है ऊपर में।